दोस्तों ये अगस्त और सितंबर बेस्ट टाइम है कि आप कटिंग लगा ले हर तरह की। ये एकलिफा प्लांट है, कॉपर लीफ प्लांट। इसके जो पत्ते होते हैं बहुत शानदार, बहुत लुक जो है बहुत शानदार आता है। ये आपके जो पौधे हैं ये गमले में भी आप लगा सकते हैं और साल भर ये लगते हैं, बहुत अच्छा है। अब जो कटिंग मैं दिखाना जा रहा हूँ ये गेंदा का है मेरीगोल्ड, ये भी कटिंग आप ले लेंगे। 7 दिन में आपको 7 कटिंग दिखाता हूँ, क्या शानदार लगते हैं और कितनी जल्दी ग्रो करते हैं। इसका तरीका भी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे ये करते हैं। ये बलड़ा मरना है हमारे माली। ये बालसम है जिसको हम गुल मेहंदी कहते हैं, बहुत शानदार फूल होता है। इसके भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि ये पौधा कैसे लगता है, आप कटिंग से लगा लें या बीज से लगा लें, बहुत अच्छा। अब जो मैं आपको दिखाता हूँ ये है कोलियास का। कोलियास में कम से कम भी 20-25 कलर ऑप्शंस में आपको मिलते हैं। और ये कटिंग ले ले, 3-4 इंच या 5 इंच की कटिंग ले ले। और ये कटिंग लगाने के बाद मैं आपको तरीका दिखाता हूँ कि कैसे 7 दिन में आपको पूरे कटिंग तैयार होकर पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये भी फोलियज प्लांट का बहुत शानदार है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सदाबहार भिनका, और भिनका की बहुत सारी वैरायटी हमारे पास है। सारी कटिंग में लग जाती है, 7 दिन में इसके रूटिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। मैं जो मीडिया दिखा रहा हूँ उसका भी दिखाऊंगा, साथ साथ आप पानी में भी लगाना चाहें इसकी रूटिंग हो जाती है, मिट्टी तो लगी जाती है। अब जो दिखाता हूँ ये फिलोडेंड्रॉन है, ये गोल्डन फिलोडेंड्रॉन है, ये भी शानदार इसकी रूटिंग हो जाती है। इसकी जो एरियल रूट भी दिखती है आपको, ये एरियल रूट तो साथ साथ दिखी थी। इसके साथ आप सिंगोनियम दिखाता हूँ मैं। ये सिंगोनियम ही मनी प्लांट का जैसा ही होता है, इसकी जो रूटिंग सिस्टम है ये मनी प्लांट के जैसे ही। ये कलर ऑप्शंस में आपको 3-4 कलर ऑप्शंस में मिल जाएंगे सिंगोनियम, और ये रेड वैरायटी में भी है, बाई कलर में, ट्राई कलर में भी सिंगोनियम आपको मिल जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके कटिंग कैसे लगती है। ये जो आपको दिखाया मैंने कुछ कटिंग ले लिया है। अब जो रेत या बजरी, जो मोटी पीली कलर की कंस्ट्रक्शन सैंड है जिसको हम रेत या बजरी कहते हैं, ये ले लें आप धो के, और इसके एक एक करके स्टिक से गड्ढा कर लें, और इससे जो कटिंग है ये एक एक करके कटिंग इसमें बिठा दें आप। बिठाने के बाद तरीका देख लीजिए, इस तरह का गेंदा की कटिंग बिठाई जा रही है, ये भिनका की कटिंग या फिर कोलियास की कटिंग, इस तरह से एक एक करके एक एक इंच का गड्ढा लगा के। ये देखिए आप गुल मेहंदी की कटिंग, ये आपको बहुत आसानी से कटिंग लग जाती है। ये रेत या बजरी लीजिए और इसको एक एक गड्ढा कीजिए, एक एक इंच का जो स्टिक है, ये स्टेम है, इसको नीचे से बिठाइए। नीचे से बिठाने के बाद आप इसको नीचे के जो पत्ता है ये पत्ते हटा दीजिए ताकि ये जो कटिंग है ये लगने में आसानी हो। ये देखिए पूरा तरीका, और बहुत आसानी से आप कर लें घर में बहुत आसानी से। और इसको कटिंग लगाने के बाद इसमें पानी दे दें। ध्यान रखना है कि ये सेमी शेड में रहना चाहिए, जहाँ पर हवा का चलाचल अच्छा हो, और हल्की हल्की धूप भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हवा चलाचल अच्छी होनी चाहिए। और ये इसके बाद पानी दे देंगे। ध्यान रखिए जो बालू या रेत या बजरी है ये कभी सूखनी नहीं चाहिए, ये हमेशा इसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। सूखा रहेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें कटिंग लगेगी नहीं। ये तो इतना सा आपको ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। अगर कहीं पर आपका फंगस का प्रॉब्लम है तो 2% आप सॉल्यूशन लेके, कोई फंगल सॉल्यूशन लेके आप इसमें दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फंगस का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बरसात की सीज़न है और आप 7 दिन में इसके कटिंग लग जाती है तो आपको फंगिसाइड भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अब इसमें आप पानी डाल दें और 7 दिन बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं 7 दिन बाद। दोस्तों 7 दिन बाद ये देखिए एकलिफा, और एकलिफा के नीचे निकाल के दिखाते, ये देखिए क्या रूट्स है, एकदम भर भर के रूट आई है। ये देखिए क्या शानदार रूट है, आपको मैं उल्टा के दिखाता हूँ, ये गुच्छा भर रूट। ये देखिए क्या शानदार रूट एकलिफा का प्लांट, ये देखिए इतना 7 दिन में इतनी रूट्स है। अब सोचिए कितनी रूट्स हो जाती है। और एक तो निकाल के दिखाते हैं, हमारा बलोड़ा मरना माली साहब जो है ये दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए लग जाती है। और अब आपको दिखाता हूँ मैं जो है ये गेंदा है, गेंदा की भी देखिए कटिंग क्या शानदार लगती है। इसका भी रिजल्ट देखिए क्या शानदार रिजल्ट है, गेंदा का भी बहुत आसानी से इसका रूटिंग हो जाता है। और ये गेंदा देखिए क्या इसकी रूट्स है। और गेंदा लोग कहते हैं कि बीज से लगाते हैं, बीज से लगाइए आप, लेकिन जुलाई अगस्त में आप अगर कटिंग से लगा लें तो ये पौधा काफ़ी ग्रोथ करता है। ये बालसम है गुल मेहंदी, इसके भी कटिंग में रूट देखिए, इसकी रूट थोड़ी कम हुई है लेकिन फिर भी अच्छी है, बहुत शानदार रूटिंग है। और ये शानदार है, आप ये कटिंग रेत में या बजरी में लगाइए। ये जो कोलियास है, कोलियास आप 15-20 वैरायटी में कोलियास है, तो ये देखिए रूटिंग क्या शानदार रूटिंग है। अगर आप कोलियास मिट्टी में लगाएंगे तो मिट्टी में भी लग जाएगी, आप उसके वर्मी कंपोस्ट में लगाएंगे तो उसमें भी लग जाती है, पानी में भी सिर्फ कटिंग लग जाती है। ये मेरा वीडियो है चैनल में, वो आप देख लीजिए, सिर्फ पानी में भी कटिंग लग जाती है, लेकिन रेत या बजरी में अगर लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाती है। ये भिनका या सदाबहार, इसकी भी रूटिंग है लेकिन इसकी रूटिंग थोड़ी लेट आती है, थोड़ी कम रूटिंग हुई है इसकी भिनका की, लेकिन फिर भी ये रूटिंग काफ़ी अच्छी रूटिंग है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ और भी जो है फिलोडेंड्रॉन, गोल्डन।
अब देखिए ये अभी मैं निकाल कर दिखाता हूँ। इसके तो रूट्स वैसे भी एरियल रूट होती है, तो आपको बहुत जल्दी ही रूट्स हो जाती है इसकी, तो इसमें तो कोई रूटिंग की वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गोल्डन फिलोडेंड्रन ये भी आप लगा ले सकते हैं, यानी कि मैं आपको दिखाया 7 कटिंग, आप 7 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगी, विशेष करके बरसात के सीज़न में। और ये जो है जुलाई अगस्त सितंबर में इसकी कटिंग लगा लें तो आपके पास इतना पैसा खर्च कर। ये देखिए रूट्स, देखिए क्या रूट्स है, इतने सारे रूट्स है। और इधर सिंगोनियम का दिखाता हूँ, रेड है या ग्रीन है, हर तरह के सिंगोनियम आपको, जितने भी तरह के सिंगोनियम आपके पास है ये लगा लीजिए, और आपका पौधा 150-200 रुपया में, आपको पौधा खरीदने की ज़रूरत नहीं है बाज़ार से, आप ये पौधा सिर्फ मुफ्त में आप खरीद लीजिए। और देखिए ये शानदार, इस तरह से देखिए ये शानदार आपका रूटिंग हो गई है, क्या शानदार रूट्स है। अब क्या करिए, आप 30% कॉम्पोस्ट लीजिए, 70% मिट्टी लीजिए, और ये देखिए ये इस तरह से मिक्सचर बना के आप इसको 1-3 इंच या 5 इंच के गमले में आप बिठा दीजिए। बिठाना भी आसान है, सिर्फ इस तरह से लेके ये जो कटिंग लिया, और कटिंग लेने के बाद आपको ये कटिंग बिठा दीजिए, और इसमें बिठाने के बाद पानी डाल दीजिए, और हल्का पानी देने के बाद इसको लगा लीजिए आप सेमी शेड एरिया में। 3-4 दिन सेमी शेड एरिया में रखने के बाद आप धूप में बिल्कुल निकाल लीजिए, और आपका पौधा बिल्कुल तैयार है। बाज़ार में सैकड़ों रुपया खर्चा करके आप इसकी वैरायटी लाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी दोस्त यार दोस्त के पास, घर में हो, रिश्तेदार के घर में हो, बागान में हो, कोई पार्क में हो, कुछ टहनियाँ आप तोड़ के ले जाइए, काट के ले जाइए, बल्कि अच्छा होगा ब्लेड से काट के ले जाइए, ताकि इसमें डैमेज नहीं हो, डैमेज से तब आपको अच्छा रहेगा। तो इस तरह से देखिए आपको मैंने बिठा दिया ये कोलियस का पौधा, और ये देखिए बहुत शानदार। अब क्या करते हैं, ये जो बालसम है इसका भी कटिंग बिठा देते हैं, और ये बहुत शानदार तरीका है, आप घर में ट्राई कीजिए। अगस्त सितंबर महीने में, ये 2 महीने में आप बहुत अच्छी तरह से इसका कटिंग लगा सकेंगे और आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने तरीका बताया, ये 7 पौधा बताया, और भी बहुत सारे पौधे हैं जो लगा सकते हैं आपको। मैंने माली साहब ये दिखा रहे हैं, जो आपको पौधे ये दिखा रहे हैं, बिठा रहे हैं, ये जो है कॉपर लीफ प्लांट, जिसको कॉपर लीफ कहते हैं, इसको एकालिफा प्लांट है, इसका भी कटिंग बहुत जल्दी लग जाता है। ये आपका बॉर्डर प्लांट के हिसाब से, हेज प्लांट के हिसाब से काफ़ी सुंदर होता है, इसका कलर भी चेंज होता रहता है साल भर इसका। तो ये देखिए मैंने इसको कटिंग बिठा के, ये मैं कुछ कटिंग बिठा के आपको हमने दिखा रहे हैं, और आगे चल के हम आपको और भी दिखा रहे हैं कि क्या क्या आप ऐसे लगा सकते हो। उसके बाद सारी कटिंग लगाने के बाद आप इसमें पानी डाल दें, और ये देखिए हल्की हल्की धूप यहाँ पर आती है, हवा का चलाचल अच्छा है यहाँ पर, और आपका यहाँ से इसमें क्या होगा, फंगस नहीं लगेगा, हवा का चलाचल अच्छा रहेगा। इस जगह पर रखेंगे कि हवा चलाचल अच्छा रहेगा तो आपका फंगस नहीं लगेगा, और हल्की हल्की धूप आती रहेगी तो इसका पौधा के जो है विकास बहुत फास्ट होता रहेगा। बहुत कड़ी धूप में मत रखिए, हल्की धूप में रखिए, हल्का हल्का पानी दीजिए, और एक दिन बाद बाद आप हल्का हल्का पानी देते रहिए। तो ये तरीका पूरा आपको दिखाया मैंने 7 पौधे का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।